वेलकम डेटा इंटरप्रिटेशन इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज का डीआई टेबल डीआई है जो एसबीआई क्लर्क 2016 का आया हुआ मेमोरी बेस्ट है। दरअसल एसबीआई क्लर्क में डीआई का वन सेट आएगा 5 क्वेश्चन का, तो पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते रहे हैं मैं उन सबको सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन आसान होते हैं तो कम समय में एक्यूरेसी के साथ बनने भी तो चाहिए। आज IBPS IRB PO का फाइनल रिजल्ट आया है और स्टूडेंट्स लगातार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें सफलता मिली। उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके सुनहरे भविष्य के लिए, और ये रिजल्ट्स प्रेरणा बनेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस राह में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सचमुच सुकून देने वाला और आप सबका उत्साह बढ़ाने वाला है। डीआई का स्तर ऐसा ही होना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए 5 क्वेश्चन का जो ये सेट है इसे कैसे लेस देन 3 मिनट्स में सॉल्व कर लें। लेस देन 3 मिनट्स, संभव होगा तो 2 मिनट्स, लेकिन ये वेरी करेगा एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में। 2 से 3 मिनट्स के अंदर आप सॉल्व कर लें, कम से कम 2 मिनट तो लगेगा क्योंकि एक्यूरेसी मायने रखता है, लेकिन 3 से ज्यादा ना लगे। आई ये एक सिंपल टेबल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग 5 इयर्स। तो 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 इन 5 इयर्स में 5 ऑर्गेनाइजेशंस ABCDE हैं, और उनमें जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप देखिए 2003 में ए में 69 है, बी में 93 है, सी में 95 है, डी में 88 है, ई में 80 है, और ऐसा ही। कितने एम्प्लॉइज काम करते थे इन ऑर्गेनाइजेशंस में इन पर्टिकुलर इयर्स में, वो दिया हुआ है। अब इसके आधार पर क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ई इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2003 to 2006। कई क्वेश्चंस होंगे जिनमें पेन पेपर की जरूरत ही नहीं होगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन ई फ्रॉम 2003 to 2006 इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट? Increased by 84. 80 means 100%, 4 means 5%, so 105%. No need of pen and paper. जल्दी बोलिए, जिनको समझ में ना आ रहा हो उनके लिए मैं लिखता हूं कि 2003 में और 2006 में की बात हो रही, ई की बात हो रही। ये था 84, हो गया 164, इंक्रीज्ड हुआ 84। हम लोग जानते हैं कि 80 का मतलब 100% और 4 का मतलब 5%, तो 84 का मतलब 105%, यानी कि ए आंसर। बोले समझे कि नहीं? ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशंस बी एंड सी आर डिक्रीज बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 2007 to 2008। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशंस बी एंड सी टुगेदर इन 2008? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, हालांकि आसानी कहा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बी एंड सी में 7 से 8 में, तो हमारा जो टेबल है वो तो 2007 मैक्सिमम है, तो आगे प्रोजेक्शन है 2008 के लिए कि 2007 में जो है उससे चेंज आता है बी और सी का। इसका 5% रिड्यूस होता है, बी का घटता है, और सी का 10% रिड्यूस होता है।
तो 5% रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 10% रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, यानी 10% निकाल के लेस कर दीजिए जो आया, 5% निकाल के लेस कर दीजिए जो आया, और दोनों को ऐड करके बता दीजिए कि कितना हुआ। ये सवाल है, क्यों दो बार लेस करें फिर ऐड करें और दो बार परसेंटेज निकालें? 5 तो काम करने को मैं तैयार नहीं। दो बार लेस करना, दो बार परसेंटेज निकालना और फिर ऐड करना, ये 5 काम करने को मैं तैयार नहीं। मैं तो कहूंगा 5% मीन 6, 10% मीन 7, 13 यहां लेस कर दीजिए, यहां पर 13, 107 and 77 इज द आंसर। ऐसे बनाना चाहिए, 177 इज द आंसर। नहीं समझे, बताता हूं, अब जो मैंने किया उसे डिटेल बताता हूं। देखिए बात हो रही है बी की, ओके, सी की, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 2007 में, ठीक है, 2008 में, ओके, 2007 में बी का जो है वो है 120 और सी का जो है वो 70। क्वेश्चन कहता है, और यूजुअली जैसे आप बनाते हैं वो भी देख लीजिए, यहां पर चेंज आता है 5% डिक्रीज का और यहां चेंज आता है 10% डिक्रीज का आता है। तो 2008 में कितना होता है, तो यूजुअली जो बनाया जाता है वो भी देख लीजिए कि 5% मतलब 6 और लेस किया तो आया 114, यहां लिखते हैं 114, चलिए यहीं लिखते हैं 114। फिर 10% हुआ 7, लेस किया तो 63, और इसको ऐड कर दीजिए जो आया, तो अब ऐड कीजिए 177, दिस इज द आंसर। ये यूजुअली बनाते हैं, जिससे कि नहीं बनाना है, आंसर ठीक है ओके, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। क्यों? अरे भाई 5% का मतलब 6 लेस करना है, 10% का मतलब 7 लेस करना है, तो सीधा सीधा 13 लेस कर देना। थर्टीन लेस करके इस पूरे को कंबाइन करके एक साथ बोलेंगे 107 and 70 177, क्यों ना बोले, दिस इज द बेस्ट वे, द बेस्ट वे। इसके लिए पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, जिसको कि हम लोगों ने पहले ही मन में किया था, ठीक है। आइए इसके बाद आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन ए इन 2003 and 2004 टुगेदर एंड दैट इन ऑर्गेनाइजेशन डी इन द सेम ईयर्स टुगेदर। 2003 and 4 में बात हो रही है, yes, in the same year, 3 and 4 में बात हो रही है कि A का जो था, यानी ये दोनों, और D का जो था, जो है, दोनों के बीच में कितने का गैप है। क्वेश्चन तो कहता है कि इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए। मुझे दिखाई देता है कि 69 यहां से पहले हटा देते हैं, 69 है ना, 60 हटा दीजिए तो 40 बचा, 40 यहां बचा, 40 बचा, 40 और 15 हटा दें अगर तो 55 हट जाएगा, 15 हटाएंगे 73 इज द आंसर, 73 इज द आंसर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। लेकिन मैं करके दिखाता हूं कि मैंने क्या कहा। देखिए ऐसा है कि 2003 एंड 2004 के बारे में बात हो रही है, ए की बात हो रही है और डी की बात हो रही है। ए का जो है वैल्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वो 69 और 55 है, और डी का जो है वो 88 और 109 है। कहा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए का
इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा 70 और 50, 1 इसको दे दीजिए 70 50 120 और 4 हो जाएगा, ऐड कर दें अगर तो एक जो क्वेश्चन जैसे कहता है, और इसको 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 9 इधर दे दीजिए 197 और इसका जो गैप होगा वो आंसर होगा। तो देखिए गैप कितने का है 73 का, सो 73 इज द आंसर सी। पर ऐसे नहीं करना है गैप, ये समझ गए ना क्या है, ठीक है। अब मैं कहता हूं वाई, मैं कहता हूं दोनों का डिफरेंस, तो मैं कहता हूं कि 60 और 50 110 होता है या 100 है, तो 10 यहां पर बच गया, 9 को हटा देते हैं, ये सब कट गया, सिर्फ यहां पर 10 बाकी है, 10 और 5 15 को यहां से जैसे ही लेस करते हैं आंसर होता है। मतलब समझ लीजिए कि व्यक्ति के पास ये दोनों पैसे हैं, इनके पास इतना है, गैप कितने का है, तो ये क्या करता है 60 और 50 110 उठाता है, कहता है 100 हटाइए ना, 9 बी वाला हटाइए ना, 10 5 15 हटाइए ना 73 आपके पास ज्यादा होगा और क्या आंसर, ऐसे करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशंस बी एंड सी टुगेदर इन 2004 and total number of employees in organizations D and E together in 2007. इसमें अलग अलग है तो values को लिख लीजिए, fast लिखना है, इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि screen पर दिखेगा नहीं। तो आप देखिए ये B and C है, ये कब है 2007, तो 2007 B and C की बात करते हैं, ये 2007 में है और 2004 में, BNC 2004 में है और 2007 में DNE है, 2007 में DNE है, इन्हीं की बात हो रही है। 4 में BNC को देखिए क्या है, 2004 में BNC क्या है 189, लिख दीजिए जरूरत नहीं है 189, और 2007 में DNE का है, 2007 में DNE का है 5 उठा के इसको दे दीजिए 207, 95 एंड 112 यही ना टोटल है, और इनके बीच रेशियो पूछा है। रेशियो आप देखते हैं 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से डिविजिबल है, फिनिश, दिस इज द रेशियो 21:23 इज द आंसर। बोलिए एकदम आसान सवाल है, जहां तक संभव हो कम से कम पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करें, जरूरी होने पर करें, आप स्क्रीन में देख करके अगर कंसंट्रेशन पूरा है तो आप बोल सकते हैं कि बी एन सी कितना है और आप बोल सकते हैं कि डी एन ई कितना है 2007 में डी एन ई कितना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशंस ए बी एंड ई इन 2005। आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं, करके भी दिखाऊंगा 2005 इसमें ए बी एंड ई की बात हो रही है, ए बी एंड ई, ए बी एंड ई 2005, ए बी एंड ई, एवरेज का मतलब होता है how the items will be distributed and how much each will get equally, equal divide करने पर। अगर ये definition आपके दिमाग में है कि यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांटा जाए तो हर एक कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 140 और 70 तीनों को बांट देते हैं ना, इसके बाद क्या बचेगा 7 and 9 16 72 माने 24 72 को फिर से 3 में बांटा 24 एंड 17 94 इज द आंसर। बोलेंगे कि नहीं बोलिए, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर जो काम मैंने किया, तरीका तो यही रहेगा, करना भी यही है, कैसे तो थोड़ा लिख के दिखाता हूं कैसे, जो मैंने किया जैसे मैंने किया वैसे,
देखिए कहा जा रहा है फिफ्थ नंबर में कि ए, ए, ए है, बी है और ई है, इनकी बात हो रही है 2005 में बात हो रही है। ओके, तो 2005 में ए कितना है 56, बी कितना है 79 और ई कितना है 147। जनरली क्या होता है, तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, इस पूरे वैल्यूज को समझना है। हमें 70 दिखता, हमें 140 दिखता, तो क्या 70 नहीं दिखता? और उसके बाद ये 9 दिखता, ये 7 दिखता, ये 56 दिखता, तो क्या ये वाला पोर्शन 72 होता, तो डिवाइडेड बाय 3 करने से 24 ना होता? जल्दी बोलिए। तो ये 70 मतलब यहां सम नहीं लिखा गया है, थोड़ा अलग लिख देता हूं कि ऐसे बांटते तो 70 क्या ना आता, और ये 24 होता तो 70 + 24 यानी 94 इज द आंसर। क्योंकि वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे किया जाए कि बराबर बराबर बढ़ जाए, ये सवाल है। इस 56 को यही रहने दिया, इसे ऐसा ब्रेक किया क्योंकि 70 तीनों में बटेगा, और इसको फिर हमने बांट दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि डीआई के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। डीआई के ढेरों सेट्स जो लास्ट इयर्स में आए हैं, मैं उन्हें सॉल्व करूंगा, चाहे वो इजी हो या हार्ड। हार्ड है तो एक्यूरेसी के साथ कम समय में कैसे बनाए, और यही बात इजी के लिए भी है क्योंकि एक्यूरेसी तो मायने रखेगी, बनाएंगे तो सभी, टाइम मायने रखेगा। टाइम सेव कीजिए। ऑल द बेस्ट।